हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रियल ब्रंच, और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप सब? कैसे 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 हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मेरा हाल अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत 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 टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। बहुत टाइम के बाद व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बेहाल था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रहा था, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम तक मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब जब खूब सारी दवाइयाँ खा के, डॉक्टर को दिखा के लग रहा है कि थोड़ा ठीक अपने उस पे आई हूँ, अपने लेवल पे आ गई हूँ, तो व्लॉग शूट कर रही हूँ। अब ये भी नहीं पता कि ये तबीयत कितनी देर तक बेहतर रहेगी या बेहतरीन रहेगी, वो भी नहीं मुझे पता है, लेकिन ये है कि जब अच्छा महसूस कर रही हूँ तो दिल कर रहा है कि व्लॉग शूट कर लूँ। आई डोंट नो, दवाइयाँ ऐसी हैं या मूड ऐसा है या ये मौसम की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है ना। आ गया, थैंक यू। मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं बस कुछ ना कुछ खाती रहूँ, बस खाने को पागल हुए जा रही हूँ। कभी दिल करता है कुछ खाऊं। अभी मेरे को फिर से हो रही थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मंगवाऊँ क्या नहीं मंगवाऊँ, तो मैंने लेज अमेरिकन फ्लेवर मंगवाया, और ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये लेमन फ्लेवर वाली, ये मंगवाई। अब इसको खाऊंगी, देखती हूँ मेरी क्रेविंग शांत होती है या नहीं होती है। रुपए चिप्स वाले में भी 20 रुपए की चिप्स भी नहीं लग रही है, इतने कम। और यहाँ पे मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया था, कह रही थी कि मैं तेरे घर पे आ रही हूँ तो तू मुझे लेने के लिए ऊपर तक आ, तो मैं ये उसी को लेने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे हम खूब सारी गप्पे मारते हुए इतने दिनों के बाद मिले, तो एक दूसरे का हाल अच्छे तरीके से बताते हुए, कभी कहीं की बात, कभी कहीं की बात, खूब सारी एंजॉयमेंट। मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बजने वाले हैं, मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे चर्चा पहले से है। एक मिनट, मेरी जल्द थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मैंने कहा सीधी कर लेती हूँ। देखा, नींद की वजह से आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम है, ये आधे घंटे से उठ रही हैं लेकिन अभी उठ नहीं पा रही हैं, तो पूरे घंटा बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं उठने की, लेकिन उठा नहीं जा रहा है। एक तो सर्दी की वजह से और दवाइयाँ, एक आलस की वजह से, और कुछ दवाइयाँ भी चल रही होती हैं जो उठने नहीं देती हैं। नहीं, अब सीरियसली उठ जाते हैं क्योंकि बहुत लटमस्ती हो गई है, क्योंकि अब तो 8 भी बजने वाले हैं और सबने अपने अपने काम पे जाना है, तो चलो उठे। बोल रही थी बाद में मिलते हैं, लेकिन बाद मेरी अभी तक हुई नहीं है, तो उठते हैं अब सीरियस होके, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और सबको अपने अपने काम पे रवाना करते हैं, तफा करते हैं।
चलो जी हाँ। अब ये हो रही है दफा, हम दफा ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। अब हम इनको बाहर तक छोड़ कर आते हैं। बाहर का नजारा धुंध ही धुंध हर जगह, हर जगह धुंध। और अपनी ग्रेवी को साथ करने के लिए मैंने मंगवाई बीकानेर की चाट पापड़ी, और ये चाट पापड़ी बहुत ही मज़ेदार थी, मज़ा आ गया इसको खाकर। और ये देखिए लग भी कितनी प्यारी रही है, अच्छी तरीके से उन्होंने गार्निश वगैरह किया, वो बहुत प्यारी, ज़बरदस्त, 10/10। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने अपनी सिस्टर को बताया था कि जैसे कि मुझे कुछ कुछ चीज़ों की क्रेविंग होती रहती है, तो वो मेरे लिए ना नमकीन वगैरह इनके पैकेट्स वो बड़े बड़े जो होते हैं वो लेके आई हुई है। एक हमने खोल दिया हुआ है, ये बोलती जो कुछ खाने का मन कर रहा होता है तो ये नमकीन खा लिया कर। मैंने कहा ओके मैं डाली, मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का तो ये जो पैकेट हमने पड़ा हुआ है इसी को पहले खोलते हैं। चलो ये अच्छा हो गया, फ्री टाइम में काम शाम खत्म करने के बाद स्नैक टाइम। सर्दियों का टाइम है, बिस्तर में लोर लगा हुआ है और स्नैक टाइम में नमकीन खाते हुए इसको मैं दे नहीं सकती क्योंकि ये बीमार है। तो ये था मेरा छोटा मोटा वेलकम व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत देर के बात कर रही हूँ ना, भूल भी जा रही हूँ कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अगला व्लॉग मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बना पाऊँ, मेरी तबीयत ठीक रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले फ्राइडे अगले नए एक व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।